बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान दाना शुक्रवार सुबह ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। So we are expecting that it will be likely to cross the North Odisha coast, North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island. So it is, we have already issued the track particularly. So it is around, means some parts of North Coastal Odisha it is likely to cross. इस बीच ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। 14 संवेदनशील जिलों में 288 कर्मियों के साथ रेस्क्यू टीम तैनात की गई है। देखिए, दाना के रिलेटेड में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अलर्ट किए हैं और डॉक्टर लोगों का जो छुट्टी है वो कैंसिल किए हैं और स्नेक वेनम और वगैरह इमरजेंसी जो विंग्स है उनको वो अलॉट किए हमें और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी इनका पर्सनली वो मॉनिटर कर रहे हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट को हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल में भी 7 मंत्रियों को दायित्व भी उनको भी दे दिया गया है, तो हम लोग पूरा तैयार हैं। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 20 टीमें, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल यानी ODRF की 51 टीमें और फायर सर्विस की 178 टीमों के साथ 40 और टीमों को तैनात किया गया है। We have deployed 45 teams in 4 states, in 20 in Odisha, 13 in West Bengal, 9 in Jharkhand and 1 in Chhattisgarh. We have also got 3 teams deployed in Andhra Pradesh because the extent and the expanse of the landfall is quite large. So we are taking all care to see that, you know, post-landfall activities are also taken care of. ओडिशा में जिन जिलों को अलर्ट पर रखा गया है उनमें अंगुल, पुरी, नयागढ़, ढोरदहा, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, क्योंझर, डेंकनाल, गंजम और मयूरभंज शामिल हैं। राज्य सरकार ने 14 जिलों के करीब 3,000 ऐसे गांवों की पहचान की है जहां हालात बिगड़ सकते हैं। ये गाँव तटीय इलाकों में बसे हैं। शुक्रवार सुबह तक तूफान दाना के ओडिशा में दस्तक देने से पहले करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। साइक्लोन बिपर जो है जब आया था तो 0 कैजुअल्टी साइक्लोन बताया जा रहा था। प्रीएम्प्टिव एक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि साइक्लोन के सामने हम खड़े होकर के अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, उससे पहले की कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझाना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना, इंफॉर्मेशन देना और जो साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो इंडिकेटेड हैं, वहां पर उनको पहुंचाना, तो ये कार्रवाई अभी चल रही है। पारादीप बंदरगाह प्रशासन ने भी नुकसान को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। पोर्ट पर मौजूद सभी जहाजों को महफूज रखने के लिए गहरे समुद्र में लंगर डाला जा रहा है। ये साइक्लोन दाना अभी पारादीप से 700 किलोमीटर दूर से है, साउथ ईस्ट में। पारादीप का साउथ ईस्ट में 700 किलोमीटर में अभी लोकेटेड है। ये परावर 6 किलोमीटर के हिसाब से वो आगे नॉर्थ वेस्टवर्ड्स मूव करके आ रहे हैं। ये 24th इवनिंग या 25th मॉर्निंग इट विल क्रॉस द कोस्ट। अभी जो प्रेडिक्शन है IMD का, इट में क्रॉस बिटवीन पूरी एंड सागर आइलैंड के बीच में कहीं भी क्रॉस कर सकता है, बिकॉज वो डायरेक्शन चेंज होता रहता है, कैसे हो जाएगा वो डायनेमिक है। हम लोग पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने पूरा तैयारी कर लिया, हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। IMD ने तूफान के गुजरने तक बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने सहित सभी समुद्री गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 24 और 25 अक्टूबर को कई जगहों पर जोरदार बारिश होने का अनुमान है, वहीं कुछ इलाकों में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 23 अक्टूबर की शाम से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक 24 अक्टूबर की सुबह तक हवा की गति बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी और 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।